मटेरियल पे वहाँ पे कि अभी जो नाली वगैरह का काम हो रहा है इसका मजीद कितना काम रह गया, कितने फुट जो नाली रह गई है? ये अभी हम लोगों का 1700 फुट रहते हैं ना यहाँ से लेके अभी तकरीबन समझो कि 234 फुट आज हमने कवर कर दिया। आज दूसरी दिनों माशाल्लाह जरा ना बड़ा तेज़ी ना काम जारी है, मशीन लगी हैं, हाँ साफ कम शम करने हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तुसां दा मेज़बान काशिफ अली, तुसां तक्की दिओ अपना फैमिली यूट्यूब चैनल काशी डडियाल। उम्मीद करने हैं सारे भैणां भरा ठीक हो सो, अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो अमान च हो सो। मौजूद हाँ जी असां डडियाल आमने ग्रां कोल, तां इत्थै माशाल्लाह मोड़ा कनियालनी रोड ना जिहड़ा ना कम बड़ा तेज़ी नाल जारी है। तां हुण जुलने आं अग्गे, तुसां गी दस्सने आं कि मजीद कितना कम होया, तो और इस रोड ने मतलब क्या अपडेट है, तो कारपीट जी है ना वो कदों शुरू हो सी, हूँ तकने मजीद अगर जुलने हाँ तो जेडे वर्कर उत्थे काम करने सन उन्होंने भी गलबात कर सा, तो मजीद मलमा तुसा कि अगर जुली तक दसने तो शुरू करने आज ना इंटरेस्टिंग ब्लॉग की सकने हो कि सैडा पर जी ना रोडा पर पहले जी पे वे से बट्टे शट्टे ठीक है, तो काफ़ी सारे पत्थर पे वे से ये भी सफाई की ने किया कि अगर फिर जहर इन्ना कारपेट शुरू करनी है, तो यह काम भी नालों नाले मकान जाने पे। हूँ जी अस जरा मोड़ा कनियाल ना जरा स्कूल है अच्छिया ना उतो जाने पे पिछना तकरीबन जरा ना कम क्लीयर ही है, ठीक है ये सैकड़ा तकरीबन जी अस चौधरी जवान जिन्होंने मकबरा है ठीक है सतारा हिदमत उन्होंने मकबरे को जाने पे, तो यकीन करो कि जड़ा ना कोई ऐसी जगह नहीं जिथे जरूरत सी ना यानी नालियाँ बनाने नहीं, इन्ना नालियाँ तमीर कीतियां माशाल्लाह है जगह तो तुसा भैणा भ्रां की याद हो सी, इतने बहुत बड़ा खड्डा होना सी जिसलै भी होनी सन ना बारिशा तो इतने पानी खली जाना होना सी, पर अलबत्त हुण नालियाँ शालियाँ बनी गई ये जी तंगी परेशानी है ना ये हुण नहीं पेश अच्छा लगे। जनाबे वाला असा मोड़ा कनियाल जरा दर्स है ठीक है उलू जाने पे अगर मशीन भी तको तुसा खलती हैं ठीक है क्रेन मशीन है तकी कि क्रेन मशीन तक खलती भी है ठीक है, इधर लुकै लिया जी है ना मशीन पी भी है नाल ड्रम टिके हुए न, इतें भी रोड यानी नाली नहीं जरूरत है पर बताया कि जलालाबाद जरा है ना अमला लगे आ, तो इधर तुसा तो क्या हो सी कि मटेरियल काफ़ी हद तक पे आई साइड। हूँ जी अस जनाब चौधरी अंसर उन्होंने घर को जाने पे ठीक है, वह पार सामने उन्होंने घर है तो इस साइड भी कोठियाँ जोड़ियाँ मौजूद हैं, तो तकरीबन सारे बंदे ही मिले हैं घर तुसा अगर तको तो ये ताज़ी ताज़ी खुदाई हुई भी है ठीक है, तो इस साइड मटेरियल भी ठीक है, तो हूँ मजीद अगर जुलने जित कम जारी है अगर ठेकेदार भी लभी गया तो उसने को मालूमात पूछा कि रोडा ना मजीद कितना कम रहना, तो कारपीट कदों तक शुरू हो सी। हूँ जी खान साहब असा कि लभी गए जेडे कि इस रोडा ने ठेकेदार इन्होंने को मालूमात पूछने कि रोडा ना कितना कम होया वा, तो कितना कम रहना आ, तो कारपीट कदों तक शुरू हो सी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। सलाम जी, और सुनाए सेशे ठीक है? शुक्र अल्लाह का, अपना सुनो। तो पहले भी आपने हमें रोड का अपडेट दिया था, तो आज फिर हम आया है क्योंकि बहुत सारा जो हमारा परदेसी लोग है ना इस मोड़ा कनियाल का जी सर, तो उनके लिए हम ये स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, तो बताएं कि रोड का कितना काम जो है ना मजीद रहता है? रोड का जो असल बात है हम लोग जो नाली बना रहा था तो नाली में हम लोगों का ये इशू था कि हम ख़त्म कर देगा, लेकिन ठेकेदार कुछ मजबूर हो गए सीमेंट के वजह से, उसके ऊपर बहुत पैसे चढ़ा हुआ है सीमेंट वाले का और नहीं मिल रहा था उसको सही, तो फिर उसने बोला कि भाई आप ये कब्रिस्तान के साथ जो नाली आगे जा रहे इसको टच करो आगे हम बंद करना है सही, फिर वो किसी का कोई मिन्नत तरला किए और कुछ सीमेंट उसने ले लिए, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा नाली रहता है इसको हम टच करें वहाँ तक सही, ये जो पीछे आपका थोड़ा सा रहता है नाली जहाँ तक हमारा राइश है ना वहाँ तक ये टच करना चाहता है सही, तो सीमेंट उसने बहुत सख्ती से बहुत तकलीफ उठाने से लाया है किसी से मांगा है सही, और लुक का इंशाल्लाह जो है ना
अभी लुक इनका शुरू हो गया है तकरीबन रड़ा में इसका सड़क है उसके ऊपर लुक कर रहे हैं, उसके बाद इधर आएगा तकरीबन रोज़े में 4-5 दिन के बाद इंशाल्लाह रोज़े में तैयार हो जाएगा। रमज़ान के महीने में इसका काम, रमज़ान के महीने 4-5 दिहाड़ी या 10 दिहाड़ी आएगा। हाँ तो सही है। ये बताएं कि इस रोड की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इस रोड का जो है ना, ये लुक डालेगा 12 फुट फ्रेमेक्स लुक डालेगा। सही का है इसका जो शोल्डर है वो दूसरा लुक है, स्प्रे वाला है। हाँ एसटीएस से के ऐसे कोई नाम है इसका। सही तो वो करेगा साथ में 3-3 फुट वो जाएगा 3 फुट उस तरफ। तो अभी ये बताएं कि अभी जो नाली वगैरह का काम हो रहा है इसका मजीद कितना काम रह गया, कितने फुट जो नाली रह गई है? ये अभी हम लोगों का 1700 फुट रहता है ना यहाँ से लेके, अभी तकरीबन समझो कि 234 फुट आज हमने कवर कर दिया, आज दूसरे दिन है। सही। हम कोशिश करते हैं कि 13-14 दिन में ये मुकम्मल हो जाए। तो रोजाना कितने घंटे इधर काम करता है लेबर? रोजाना ये हमारा अपना आदमी है और ये हमारे साथ तो कोई कंफर्म नहीं है टाइम का, जिस तरह इनका दिल है कभी टाइम पर जाता है कभी मगरिब तक काम करता है। तो रोजाना कोई टारगेट होता है इतना काम हमने करना है? रोजाना 100 से तो हम कम ही नहीं करता है। सही। और 120-130 पर हम जाता है। सही। तो इस रोड की तकरीबन लंबाई कितनी है? लंबाई ये 3.5 किलोमीटर है। तो आगे जो जलालाबाद एक पुली वगैरह है उसका अभी जो है ना, पुली जो रहता है उसके नीचे हम लोग फर्श डालेगा और वो ईद के बाद होगा इंशाल्लाह रोजे के बाद, जो सिरों पे रहता है नाली उस तरफ आखिर में। सही। वो हम लोग जो है ना रोजे के बाद करेंगे। तो उस पुल का काम दोबारा होगा, उसको रिपेयर किया जाएगा या नए सिरे से दोबारा नया बनाएगा? तो किसी ने बोला नहीं है लेकिन नीचे उसका जो PCC है वो खराब हो गया, डैमेज हो गया, उसका बेस मजबूत करेगा, उसका बेस मजबूत करेगा, बाकी पुल ठीक है। हाँ तो ठीक है, बहुत मेहरबानी खान साहब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाम क्या था आपका? मुझे नाम नहीं याद रहा। नाम शेर खान है। माशाल्लाह जरा ना बड़ा तेजी में काम जारी है, मशीन लगी हैं, हाँ साहब कम कम करने हैं माशाल्लाह। खान साहब ये बताएं ये कितना बंदा आपके साथ काम कर रहा है? मेरे साथ सर 10 आदमी काम कर रहे हैं। हाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं। सही है। तो अभी ये इस जो नाली है इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इस नाली की चौड़ाई कितनी है? नाली का टोटल बेड का चौड़ाई है 3.5 फुट। 3.5 फुट। 2 फुट हम बेस जोड़ते हैं पानी के लिए और 9 इंची हमारा दीवार बनता है, यानी 1.5 फुट हमारा 2 दीवार आता है। तो कई जगह पे घर शर भी मौजूद है, उनके लिए नाली के ऊपर से कोई रास्ता बनाता है उनके गुजरने के लिए? हमने बहुत सारा बनाया हुआ भी है, अब ये जो रहता है ना इसका भी बनाएगा आगे, वो भूखा जो आगे वाला गेट कैंसिल हो गया, वो भूखे दूसरा रैम बनाएगा। सही। जिधर जिधर उनका गेट होता है वो हम लोग कर लेते हैं कवर कर। सही है, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है माशाल्लाह। हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं, आगे आवामों का खुलूस है जो हम लोगों को देख के पूछता है और हमारा काम को लायक दे रहा है, इस पर हम खुश हैं। तो बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपने हमें मालूमात दी रोड की, बहुत मेहरबानी। जी मटेरियल शेर पे इधर पठान लगे हुए हैं काम शाम करने पे माशाल्लाह। ट्रैफिक नजर आ रहा, काम बड़ा तेजी नाल जारी है। क्या ने पास हमने तो कुछ भी माशाल्लाह ओना राजगान दडियाल बड़ा खूबसूरत जहा ग्रां, पिछले दिहाड़े तुसां कि इस ग्रां ने खूबसूरत नज़ारे भी दसे सन, तकी कि माशाल्लाह। हम बस जलालाबाद अस पहुंचने अगे जी पुली है ना, ठीक है उसने भी तुसें सूरत हाल चेक करा। अस जलालाबाद पुली को पहुंची आए हैं, ठीक है तो पुली की कंडीशन भी तुसें दसने हैं, अपडेट देने हैं। इसनी पार तको जी इसनी भी जी है ना हालत ज़ार बड़ी खराब है, तो यह सामने पार तुसें दसना पे उसी जलालाबाद जी, जलालाबाद ना अगर बाजार है। हाँ जी अबू जी, जी जे अगर पुली ना बनती तो फिर तो कुछ वक्त भी जड़ा है ना इसना
आज साहब पेश है जी सकना पुलिये बनसी ते इसने पर गड्डियां नंगी ते जा सकना ता ए जाहिर है जेड़ा ना खान जेड़े लगे वे इस पुल की मरम्मत कर सन और बेस इसना जेड़ा ना सही पक्का तैयार कर सन ते फिर अगे जेड़ा ना इसने पर बस कंक्रीट क्योंकि जे कंक्रीट ओ में नहीं पई सकनी जब तक पुल पक्की ना होवे सही ते पीछे के आने हो के खान बलादरी कम शम ठीक करने पे ना तो अच्छा कम करने पे नहीं पता पठान साढ़े इलाके विच पहले जड़ा ना पबियां शबियां है बकले ना तो हुण आईया ना इस तो पहले खान ही जड़ा ना खुदाई करने रे और बहुत बहादुर कौम है आला आला ये दसो के पहले पुराने जमाने च जाहिर है तुसा काफी एज है ते उसलै किस तरह रोडां बनाने होने सन सेम इयै तरीका होना सी या उसलै मुख्तलिफ होना सी उसलै जरा मुख्तलिफ सी जड़ा टुकरियां नाल बजरी बाने सन ते पंजाब दा जड़ा ना खवातीन ते मर्द जड़ा ना सारे मेहनत मजदूरी गरीब लोग रोडां शोडां ना कम करने होने सन तो उस तो बाद फिर हुण खान आई गए न तो हुण नाले जदीद मशीनां भी आई गई सारे मशीनां भी न कंप्यूटर मशीनां भी हैं सही है ते ऐतकी कि ना जी तुसा कि नाल कोलों जे दसने आ कि कंडीशन इसनी भी काफ़ी सारी मारी है पर यह है कि खान साहब और अपडेट ये दीती है कि इस ना जड़ा ना कम शम मजीद हो सी इसनी जड़ी बेस है ना वो मजबूत हो सी तो उम्मीद करने हैं कि इस ना कम ही जड़ा ना बहुत जल्द शुरू हो जा सी इसलिए जी अस जलालाबाद जी पुली है न्यू टाउन को पहले अच्छी उत्थे मौजूद हाँ तो पुली की कंडीशन तुसा तकी सकने हो कि एक साइड सेफ्टी वाल है लेकिन दूसरी साइड सेफ्टी वाल को नहीं ठीक है अगर जुले आ मजीद तुसें दसने इधर गड्डियां ना भी बड़ा रश होना ठीक है तो क्या लेना इस साइड अगर जुले तो इस साइड तुसा तको जड़ा ना आ दूरों में तुसें दसना है ये मेन रोड है जी जिधरों ट्रक अच्छना पैना अगर फिर न्यू टाउन अच्छना तो इतने सेफ्टी वाल बड़ी जरूरी है कुसा टाइम इतने बहुत बड़ा हादसा पेश आई सकना तो अस चलो जहर है फलाई कमां विच भी बल्ले की रोडा नहीं अपडेट तो दिती है लेकिन ये काम भी बड़ा जरूरी है तो इसने तुसा तक कि नो कंडीशन कोलू जाइए तो तुसें दसने मजीद ठीक है बहुत बड़ी खाई है अगर इतों थला गड्डी भी जाए ना या कोई मोटरसाइकिल जाए तो फिर बचना उसना कख नहीं तो सेफ्टी वाल जी है ना इतना बड़ी जरूरी है।